आज हम आपके लिए आहूजा डीजे कंपनी के सेटअप में बात करेंगे। आहूजा के एम्पलीफायर साउंड डीजे हमारे डीजे में और लाइव प्रोग्राम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और इस पर लोगों का विश्वास भी है। तो आइए हम आज बात करेंगे डुअल बेस डुअल टॉप एम्पलीफायर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए SWX 1300DX, यह डुअल 18 इंची बॉक्स है। इसमें 650 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं। यह 4 ओम्स पर वर्क करता है। इसका RMS पावर 1300 वाट है, पीक पावर 2600 वाट है और इसका वेट की बात करें तो यह 83 किलो का है। इसके लिए मैं एम्पलीफायर रिकमेंड करूँगा UBA 1300। यह एक 1300 वाट का एम्पलीफायर है। इसका मैक्स पावर 1650 वाट है। इसमें आपको एक सब वूफर आउटपुट भी देखने को मिलेगी जिससे हमारे बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और एम्पलीफायर की बात करें तो SPA 10000, यह एक 1000 वाट का एम्पलीफायर है। इसका मैक्स पावर 1350 वाट है। और LXA 4500, यह एक डुअल चैनल मॉसफेट एम्पलीफायर है। इसके पर 4 ओम्स पर चैनल यह 1550 वाट आउटपुट देगा जिससे हमारे बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। और डुअल 15 इंची बॉक्स के बारे में बात करें, SPX 810, यह एक 4 ओम्स का बॉक्स है। इसका RMS पावर 700 वाट है, पीक पावर 1400 वाट है। इसका वेट 62 किलो है। मैं इसके लिए एम्पलीफायर रिकमेंड करूँगा LXA 3200। यह एक डुअल चैनल एम्पलीफायर है। इसके एक चैनल पर 2 ओम्स पर 1600 वाट आउटपुट देता है जिससे आपके चारों बॉक्स काम करेंगे। और एम्पलीफायर देखें तो BTZ 10000, यह डुअल चैनल एम्पलीफायर है। इसके एक चैनल पर मैक्स पावर 750 वाट है। इस पर आपका एक एम्पलीफायर पर 2 बॉक्स बड़े आसानी से काम करेंगे। और देखें तो ADJ 300DJ मिक्सर, यह आहूजा का 3 चैनल डीजे मिक्सर है। इसमें आपको 2 आउटपुट और 1 सब आउटपुट देखने को मिलेगी। और SBC 6000 और 8000 स्टूडियो मास्टर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर एक आपको लगाना होगा। आप इस पर मैनुअल स्टेबलाइजर भी लगा सकते हैं। तो डिटेल आपके सामने है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।